Gracias. Yes. Come, come, come. Yes. Global, sorry, yeah. Okay, Rakhi ma'am, सबसे पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. Thank you. और क्या कहना चाहेंगे आप रेड कार्पेट में ग्लोबल फ्लेम अवार्ड्स पे? ग्लोबल फेम अवार्ड्स में मैं आई हूँ थैंक्स टू अमृता फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम सो हैप्पी सो एक्साइटेड टू टेक माय अवार्ड एंटरटेनमेंट का अवार्ड मैं ले रही हूँ और फीलिंग सो एक्साइटेड कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ऑन टेलीविजन ऑन बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन एवरीवेयर इंडिया अमेरिका वर्ल्ड फेमस होते हो आप तो एंड इफ यू आर गेटिंग अवार्ड इन सब चीज़ों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यू फील सो प्राउड यू फील सो गुड मैं तो पानी पानी हो गई लवली ओके राखी मैम एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपके मुकाबले तो ऐसा कोई है नहीं पर आपके मतलब नज़र में ऐसा कौन है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है आपके अलावा ओह वाओ कौन है वैसे तो सब अपने अपने कैटेगरी में तो देयर सो मेनी एंटरटेनर सब लोग अपने अपनी कैटेगरी में मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये इतनी कैटेगरी एवरीबडी इज़ अ एंटरटेनर बट मैं फायर हूँ फायर आई एम अ फायर या आई एम नॉट फ्लावर आई एम अ फायर और अवार्ड की बात करें तो आपकी निजी जिंदगी में कितने मायने रखता है अवार्ड को लेकर देखिए मैं पहले अवार्ड नहीं लेती थी
बट मुझे इतने अवार्ड आते, मैं हमेशा हर अवार्ड नाइट में परफॉर्म करती थी, लाइक आईफा हो, फिल्म फेयर हो, या कोई भी अवार्ड नाइट हो बड़े बड़े में, एंड सब में परफॉर्म किया मैंने. बट मुझे स्पेशली अवार्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं, बट आजकल अवार्ड का बहुत ज़माना हो गया है. True. तो अवार्ड लेना बहुत ज़रूरी है आपको एक कैटेगरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ग्लैमरस के लिए, डिवा के लिए, आइकॉन के लिए. नाउडेज इट्स अ स्टाइल, सो ट्रेंड. सो अब मैं अवार्ड लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अवार्ड लेना, बिकॉज आपके प्रोफाइल के लिए भी बहुत मायने रखता है ये अवार्ड. एंड हु इज गिविंग अवार्ड? नेहा धूपिया. She is hot happening. Thank you. Okay, राखी मैम, लॉक अप कितना फॉलो कर रहे हैं आप? क्योंकि सेकेंड एपिसोड था कल और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आप कितना पर्सनली फॉलो कर रहे हैं? मैं अवार्ड लेकर आऊँ फिर लॉकअप की बात करते हैं. पक्का, आई प्रॉमिस. मैं अवार्ड लेकर आती हूँ फिर मैं लॉकअप की बात करती हूँ. यस, ठीक है ना? आऊँ मैं एक अवार्ड लेने? आऊँ? यस. ओके, स्टार्ट. ले लो, ले लो. वेयर? What is your name? Sonu, उधर ले लोगे please. ये अपने हमारे लिए किया है. हाँ, ये लगाया वहाँ. हाँ हाँ, किधर? ये वहाँ उधर. नहीं. So we'll go to that corner. हाँ, do it here ना. इधर. Patient by side. नहीं नहीं नहीं, इधर लोगों के पीछे ही करना. Patient by side. Side हो जाओ. Side हो जाओ. Side हो जाओ. सोनू जल्दी बताओ. हाँ ठीक है, चलेगा. मैं चौंपर के बारे में आता हूँ अपना. Otherwise wait for 2 minutes ना. एक में 2 मिनट. नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जाओ ना please. अच्छा ठीक है, खत्म कर दो. ओके, आई एम गोइंग देयर. आ जाओ जिसको करना. मैडम जी, मैडम जी. मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड एक बार फिर से नवाजा जा रहा है. क्या कहना चाहेंगे आप? और कहना तो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है. बहुत अपने काम को जब अप्रिशिएट किया जाता है और जब सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि आपका काम पसंद आ रहा है, अवार्ड के ज़रिए ये कहना चाहें, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग होती है और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मुझे अवार्ड मिला. ओके, बिल्कुल, उन्होंने मुझे पॉलिटिकली वेलकम किया है और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया है, तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है और मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. वेरी हैप्पी आज ग्लोबल फेम अवार्ड्स में मुझे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिल रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. सो मुझे बहुत खुशी मिल रही है आप लोग मुझे वापस एक अवार्ड वो दे रहे हो. और आपकी मम्मी आई हैं क्या? हाँ, मेरी प्यारी मम्मी आज आई लंदन से. मतलब बिग बॉस के बाद मैं मम्मी को मिला नहीं हूँ, बट आज कल रात को मम्मी आई उस आके ही रो रही है मुझे देख के. तो मुझे अच्छा लगा मम्मी मेरे साथ होगी. मैम क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे ने आपको काफ़ी प्राउड फील करवाया है. बहुत प्राउड शब्द अगर आप. वी डिडंट एक्सपेक्टेड इट, बट ही इज डन वेरी वेल. You expected, mother. I mean, it's a big platform, na. Big Boss is a very big platform, and we thought it's going to be tough for him, but he's done it. और आगे की क्या प्लान है राजी? आगे मैं एक शो कर रहा हूँ, जो उसको चेनी अभी शुरू हो गई मेरी, और I think by May should be announced क्या हो रहा है. Thank you so much. राजीव भाई यहाँ पे.
मेरे लिए गलत सवाल है, इनको पूछिए। See, I think awards are like जैसे एक त्योहार होता है या फिर कुछ भी एक अच्छी सी चीज़ होती है। It's like wearing clothes. So whatever talent you have, उसका जब आपको एक reward मिलता है, एक award मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए award वही मायने रखता है कि उस मेहनत को सराहा लोगों ने और उसके लिए सिर्फ हमें एक खूबसूरत सा इनाम दिया जा रहा है, एक ट्रॉफी के। प्यार मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत अच्छा लगता। इसको बहुत इंटरेस्ट है। तो सर आपको कुछ मुश्किल हुई मैच होने के लिए, मतलब मैम के साथ आने के लिए? हमेशा मुश्किल होती है यार, मेरे को इधर कोई हाई भी नहीं बोलते, इनको ही देखते हम आपको हाई बोल रहे हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। टीना इज़ वेटिंग ओवर देयर। थैंक्स टू ग्लोबल फेम अवार्ड्स यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए। मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है फॉर माय डेब्यू इन वेब सीरीज़,
and this is my first award in my debut in Web Series, so I'm really really excited and looking forward to it. हाँ आई थिंक ऑफलेटली ना मैं बहुत ज़्यादा कम मेकअप करने लगी हूँ, बहुत सिंपल रहने लगी हूँ मेकअप वाइज एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई जस्ट थॉट विल कीप इट वेरी सिंपल. मैंने बहुत सिंपल सा माइकल कॉर्स का ड्रेस पहना है एंड जस्ट अ हाई बन एंड दैट्स इट. मतलब आई थिंक लेस इज मोर नाउ डेज, सो आई ट्राई टू कीप इट वेरी मिनिमलिस्टिक. I am, one project is lined up. I am going to Indonesia next month for 1 month for a project, and then after that, once I come back, another web series is lined up. So I'm really, really excited and looking forward to it. Lot of fans are waiting for you to go into Big Boss house. So क्या समय हम आपको देख पाएंगे? I know Big Boss की भी बातें चल रही थी last year भी. हर साल मेरी बातें चलती रहती है. तो I think Big Boss के साथ मेरा प्यार भरा रिश्ता है. So definitely बहुत जल्द देखते हैं. Thank you so much. Thank you everyone. Hi guys. Hi. आज आपको नॉमिनेट किया गया है क्या? I think it's a big honor to be nominated among such talented people, and acting is something that I have loved all my life. तो जब एक नॉमिनेशन या एक अप्रिसिएशन मिलती है इस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग. सो खुश बड़ी हूँ मैं, आई जस्ट से दैट. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई फील लाइक अ 5-year-old चाइल्ड. तो आपको एक्साइटमेंट तो दिख ही रही है. मैंने अपना एक्साइटमेंट में आज हाथ ही तोड़ दिया. क्या हुआ मैम? मैं स्लिप हो गई थी आई थिंक. वो इतनी एनर्जी हो गई थी तो उस चक्कर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको क्या लगता है होना चाहिए ना कॉमेडी में? वही होगा फिर. तो मैम आप बताइए किस कैटेगरी में आप? अभी पता चल जाएगा. कुछ तो सच में क्या करना बनता है सर, बताएंगे. और मैं क्या कर लेता हूँ बताओ, एक ही चीज तो आती है मुझे. कॉमेडी के लिए है भाई. हाँ हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है. आपने शो देखा है, हम इतने साल से शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज भी जो है सारे के सारे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं हमारे सेट पे. तो अब कोई नया आता है जैसे लाइक रामचरण और जूनियर एनटीआर, ये लोग हमारे लिए भी नए थे बिकॉज वी मेट देम एंड सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो या इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड और बड़ा मज़ा आया हमें शूट करने में. और आगे की क्या प्लानिंग है सर? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अभी तो नहीं है कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट. अभी तो द कपिल शर्मा शो ही है,
एंजॉय कीजिए. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑनगोइंग तो वही है, द कपिल शर्मा शो है, वो आप एंजॉय कीजिए. थैंक यू. थैंक यू. एक सवाल है, अक्षय सर काफी नाराज है कपिल सर के ऊपर, उन्होंने जो एक वीडियो ट्वीट कर दिया था, क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, वो मैंगो वाला सवाल को लेके जो प्रधानमंत्री को लेके? कुछ दिनों में अभी हमारी शूट है उनके साथ बच्चन पांडे के लिए, तो अगर नाराज होते तो हम शूट ना कर रहे होते साथ में. ऐसे कोई नाराजगी नहीं थी भाई, ये ऐसे ही बातें थी. नहीं नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. यहाँ पर अभी तो क्या, हाँ हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज की शाम को लेके, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ग्लोबल अवार्ड्स में नॉमिनेशन पाके. एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑर्गेनाइजर्स अमृता जी एंड मिस्टर श्रीधर. वेरी एक्साइटेड इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के बीच में आके, एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग इवनिंग. या दैट्स इट. आउटफिट इज वेरी फंकी एंड कलरफुल नियॉन, बिकॉज मुझे बहुत आज ब्राइट फील हो रहा था, हैप्पी फील हो रहा था. सो हाय हाय हाय. ओह थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली वी कनेक्ट स्टार अमृता, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ. Yes? Okay. So my name is Amrita Roy and I'm the creative director of We Connect Star Events and Entertainment. And We Connect Star Events and Entertainment ही Global Fame Awards 2022 आज organize कर रही है. And यहाँ पे honor किया जा रहा है different people from different industries, उनको आज उनके achievement के लिए honor किया जाएगा. आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सितारे हैं and people from entrepreneurs, different industries, वो सब भी आ रहे हैं. She is the chief guest. She would be presenting the awards to all the winners tonight. Yes. See, जितने भी आज awardees हैं और जो भी आ रहे हैं, they all are achievers. राइट, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. तो उन सब लोगों ने अचीव किया है, तभी आज वो आज इस मुकाम पे है. और ग्लोबल फेम अवार्ड्स टेक ऑनर टू यू नो सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स इन स्टाइल. जो पीआर हैंडल कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शैला शैलेश्वर है, yes, वो भी कर रहे काफी अच्छा, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे? सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड. यस, थैंक यू. I think नाम में ही सारा जाम है. सो आई थिंक ग्लोबल फेम अवार्ड है जो स्पॉन्सर्ड बाई सो मेनी पीपल. आई थिंक मेरे लिए एक नया अवार्ड है जहाँ मैं नॉमिनेट हुई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे पता नहीं अभी टाइटल क्या है, तो यही लोग मुझे बताएंगे मैं किस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुई हूँ और जीत रही हूँ तो क्या जीत रही हूँ. आई हैव नो आइडिया, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस साल आई थिंक आई हैव कलेक्टेड सो मेनी अवार्ड्स बैक टू बैक. तो मुझे लगता है मेरे डैड ऊपर से ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे हमेशा. आई थिंक मुझे कुछ डिफरेंट करना था. यूजली मेरे बाल हमेशा ब्लो ड्राइड या स्ट्रेट होते हैं, एंड आई वॉन्ट टू गो कर्ली बिकॉज माई डैड लव माई कर्ली हेयर, एंड काम की वजह से यू नो वी आर ऑलवेज परफेक्ट. एंड आई वाज लाइक टुडे आई एम गोना गो लाइक गोल्डी लॉक्स. तो व्हेन इट कम्स टू माई आउटफिट, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स द टीम मेंशन वाज अबाउट ब्रेवरी एंड करेज, पॉसिबिलिटी बी way of me kind of being nominated and winning. I'm not sure yet. So I kind of thought, why not go in an avatar where I look like a badass? And you know, I kind of
I wanted to look the part, because if I'm nominated for something like that, I mean, I think there's nothing wrong with looking the part you might win or be nominated for. So I thought, you know, mix and match karna chahiye. And why not? When we do it in Hollywood, why can't we not be wearing gowns on a red carpet in Bollywood? Yes, three films are ready. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टिप्सी के लिए. टिप्सी हमारी अभी जा रही है फ्लो पे 19th को. इनकम्प्लीट मैन की डबिंग खत्म हो गई है. बैंड ऑफ महाराजा सेट टू रिलीज. तो बस यही है कि बस सब कुछ सही जाता रहे. बाबा दीदी बाबा जी की मेहर है. एंड आई होप दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट. एंड आप सबको भी ऐसे आप हम सब मिलते रहें हर इवेंट पे. सो मैं यही कहना चाहूँगी आई एम वेरी ग्रेटफुल. और हाँ काम काफ़ी है. एंड आई थिंक कि 2 साल का जो ब्रेक सबके लिए रहा स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस यू नो वी वर्क रियली हार्ड एंड वी ट्राई टू बी वेयर वी वांट टू बी इन बॉम्बे. एंड आशा यही करते हैं कि आगे भी हम और अच्छा काम करते रहें और आप हमारे इंटरव्यूज लेते रहें. सो नेहा जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थर्सडे. यू नो लोगों को बहुत अभी भी तक पसंद आ रही है एंड लोग आपके काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो सबसे पहले बताइए कि कैसे देखती हैं आप जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है थर्सडे लोग अभी भी बहुत पसंद कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है जो थर्सडे है वो I think it'll always be closest to my heart क्योंकि I was pregnant or you know now I have my son with me. और जब भी मैं इस फिल्म को देखूँगी मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ. बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी. एंड यू नो द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके यू आई ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी. एंड यू नो शूटिंग में कितना कुछ क्योंकि मैंने देखा बारिश में भी आप वो शूट कर रहे हैं क्योंकि आप पॉप का किरदार है तो काफ़ी भागना दौड़ना कितना कुछ प्रिकॉशन आपके लिए लेना पड़ा है एंड कितना कुछ सेफ्टी था आपके लिए. बहुत मुश्किल था. आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं. एनी वे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में यू नो ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाता है. सो यू नो विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट. और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी क्योंकि सेकंड वेव तभी ख़त्म हुई थी तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी. प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट. बट यू नो आई थिंक दैट nothing bless you nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it. aur jo sabse bade change makers hain wo aise hote hain jinhone you know specially jis condition mein main thi to give us an opportunity. to agar behzad ya roni shruwala ya paashan you know jo aur ashley jo hamare producers or directors hain agar unhone hame mauka nahi diya hota I think that we would have never been able to break out of that box or break that clutter ya phir hum kuch kar hi nahi pate. I would have just been like taking maternity leave which is not bad but to be able like you must take it if emotionally and clinically you want to take it but I wanted to work and I got a chance. I feel really happy. चलिए ग्लोबल फेम अवार्ड्स के मौके पर हम यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं. आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है. सो जी नहीं मुझे नहीं मिल रहा है. मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को. But there's nothing wrong with it. yeah, to be in a position to you know to be the face of Global Fame Awards. Or I think जो जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे hats off to them.
मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है. द पॉइंट इज दैट सबने मेहनत की है, अपनी फील्ड में मेहनत की है. एंड यू नो व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक वर्क हार्डर एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर. मैम अगर हम बात करें सिम्बा डूइंग वेरी वेल इन दिस करियर, सिम्बा नागपाल यू नो रोडीज एंड ऑल दिस डेड, व्हाट यू वांट टू से नाउ ही डूइंग नागिन आल्सो, व्हाट इज योर रिएक्शन? कांग्रेचुलेशंस टू हिम, थैंक यू. आपको लगा था इतना आगे तक जा पाएगा? थैंक यू वेरी मच. नो ऑल द बेस्ट, एवरीबॉडी शुड डू वेल. थैंक यू. यस एक्साइटेड हूँ क्योंकि नॉमिनेटेड हूँ मैं एंड आई होप मुझे अवार्ड मिले आज. तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड लेट्स सी यहाँ से अवार्ड लेकर जाती हूँ कि नहीं. आउटफिट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आई डोंट नो बेसिक है. मैंने कोई ब्रांड का आउटफिट पहना है, इट्स जस्ट वन ऑफ द बेसिक गाउन्स विच इज़ नॉट दैट फ्लैशी बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू गो अंडरस्टेटेड विद माई वार्डरोब एंड इट्स फ्रॉम माई ब्रांड मार्जो. जहाँ आपको लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं टेलीविजन में, तो कब आप टेलीविजन में आने वाले कि लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं टेलीविजन ऑडियंस का? मैं भी टीवी को मिस कर रही हूँ एंड आई होप मैं जल्दी से टीवी पे आऊँ या फिर कोई तो स्क्रीन पर आऊँ बहुत जल्दी. बट इवन आई एम मिसिंग टीवी एज मच एज टीवी इज मिसिंग. कोई रियलिटी टीवी शो करने का इरादा है आपका आने वाले में? ऑफर हुए थे मुझे एक दो रियलिटी शोज़ बट वो इतना ज़्यादा लेजिट और इतना ज़्यादा कैद में रखना चाह रहे थे मुझे तो मैं डर गई, मैंने नहीं किया है. बट अभी फिलहाल लेट्स सी क्या ऑफर होता है और क्या मैं एक्सेप्ट करती हूँ. जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके मैम, आज आपको नॉमिनेट क्या होगा ग्लोबल फेम अवार्ड, क्या कहना चाहिए? So I'm really excited and happy that I've been nominated for the Trendsetter of the Year award. You know it's really exciting when your hard work is appreciated at such events. So thank you Be Connect Star for such. Yeah, wait. Let her go. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट वाले ऐसे इवेंट्स करें बिकॉज इफ़ दे डू सच इवेंट्स वी गेट मोटिवेटेड टू डू बेटर इन द सोसाइटी एंड टू बेटर इन आवर फील्ड्स. सो दे आर ऑनरिंग मी विद अवार्ड ऑफ ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर. सो आई थिंक इट्स अ फैब फैब मोमेंट फॉर मी. थैंक यू. आगे की क्या प्लानिंग है, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस शेयर तो नहीं करूँगी बट येस देर इज एन अपकमिंग प्रोजेक्ट. इतना वेट किया है सो आई थिंक योर वेट विल बी वर्थ इट. थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आज ग्लोबल फेम अवार्ड्स 2022 का हिस्सा बन के. आई वॉन्ट टू थैंक अमृता फॉर एक्चुअली हैविंग मी. आई वॉन्ट टू थैंक वी कनेक्ट स्टार फॉर होस्टिंग दिस Opus Magnum and I'm so 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 glad that I've won an award for style today and I'm grateful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. एसी बंद करो भाई. मैम लेफ्ट. ओ ये सब यहीं पे हो रहा है. हां इधर है भाई, इधर मैं भी आते हैं. अरे भाई आइए बात करते हैं. ठीक है जी. किशन भाई चालू.
ओके मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आज आपको अवार्ड मिलने वाला है. थैंक यू. कौन सा? आपको ब्यूटीफुल एक्ट्रेस. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था. अवार्ड हमेशा हर आर्टिस्ट को हमेशा इट इज मायने रखता है, बिकॉज वट एवर एफर्ट्स यू पुट इन टू इट, जितना आप करो उसके लिए आपको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको अच्छा लगता है. सो इन अ वे इट्स ऑलवेज लाइक यू नो अ बैकिंग, अ सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन एंड एन अप्रिसिएशन. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपका अटायर, कुछ बताना चाहेंगे मतलब फुली लुक के बारे में? फुली लुक के बारे में मैंने साड़ी पहनी है. आई वोन द साड़ी फ्रॉम कल्कि एंड एक्सेसराइज विद सम लवली एक्सेसरीज. ऐसा लग रहा है कि आप कोई रैंप वॉक अभी होने वाला है? ऐसा क्यों, मेरे बालों की वजह से? कुछ हंगामा होने वाला है? कुछ हंगामा नहीं होगा. नहीं, एक्चुअली ज़्यादा तो वक्त नहीं लगता मुझे ड्रेस करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 hour विद मेकिंग फ्यू बिट्स ऑफ रील्स. आई मीन लाइक फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए प्रोजेक्ट के. जी, तो कब तक हम आपको देख पाएंगे? टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई रश नहीं है वापस आने का, मतलब टू आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इंटरेस्ट मी, तो जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो करूँगी. तो मैम कोई सॉन्ग, कोई रियलिटी शो, मतलब काफ़ी चूसी होती है हर प्रोजेक्ट को लेकर. हमने देखा है जब भी आप कुछ अच्छी मिलेगा तभी आप जाते हैं जी, लेकिन हम चाहते हैं कि सॉन्ग या रियलिटी शो में कब आप आने वाले? बहुत जल्द, होपफुली. Thank you so much. Thank you. Can I get one bite, please? Separate bites, you know? Guys, mic hai kya? Guys, hello. मैं अपना ऑस्कर अवार्ड छोड़कर ग्लोबल फेम अवार्ड लेने आई हूँ मैं आज. थैंक यू. थैंक यू. आज की शाम है ग्लोबल फेम अवार्ड्स और मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं, सबसे मिलने जाऊँगी अभी अंदर. आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे पता चला है कि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, तो अपना अवार्ड लेने जाऊँगी. इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. अच्छा, लुक तो खैर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे लगा आप जल्दी से तैयार हो के मैं मिस नहीं करना चाहती थी. काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं मेरे यहाँ पर, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट देम एंड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द लुक. बस एक यू नो ब्लेजर पैंट्स के साथ पहनी हुई है जो कॉम्बिनेशन ड्रेस है और कुछ नहीं. नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट द आउटफिट. आप मुझे बहुत जल्दी मेरे सिंगल वीडियोज़ में देखने वाले हैं. कुछ गानों को मैं अभी शूट कर रहे हैं, हम अभी नहीं बताऊंगी, बट येस मार्च अप्रैल में हम शूट करने वाले हैं. कुछ सिंगल्स आ रहे हैं मेरे, तो आप जल्दी उसमें देखेंगे. इवेंट के लिए मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, शोज़ होते रहते हैं मेरे, तो जैसे आपको सबको पता है मैं सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, तो फिर परफॉर्मेंस होती रहती हैं. अब शोज़ शुरू हो गए हैं आफ्टर कोविड, अब परमिशंस मिलने लग गई हैं, तो अलग अलग सिटीज़ में हम ट्रैवल करते रहते हैं शोज़ के लिए. हाँ, मैंने देखा नहीं है बट थोड़ा बहुत मैंने देखा है, कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स का मुझे पता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है. मुझे सारे कंटेस्टेंट्स अभी नहीं पता है, मैं एक बार देखूंगी फिर आपको बताऊंगी. ठीक है, थैंक यू. Thank you.
उसी वजह से हम आप सबको हंसाते हैं और आप सब हंसते हो, हम और भी ज़्यादा खुश होते हैं। That's all we do. और आप दोनों जब भी आते हैं अपने आउटफिट को लेकर काफ़ी चर्चा होती है आपके आउटफिट को लेकर, सेम टू सेम होते हैं। आज सेम टू सेम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, सॉरी बात है, बट बहुत मेहनत लगती है पता ढूंढने में, वॉट एंड एवरी थिंग सी ईच एंड एवरी इयरिंग इज ऑल्सो सेम जब तो बहुत मज़ा भी आता है पूरा मिक्स मैच करने में, इट्स वेरी चैलेंजिंग। लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए सॉन्ग के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? इट्स कमिंग अप वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड, इन मार्च इटसेल्फ, इट्स कमिंग अप दिस मंथ। रात के साथ है क्या या वो हम नहीं बताएंगे? हम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा दिस मंथ। आप लोगों की जो बॉन्डिंग है सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ वो काफ़ी लोग पसंद करते हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड हमें बहुत मज़ा आता है साथ में, हम गेम्स खेलते हैं, फन करते हैं, रील्स बनाते हैं, डांस करते हैं, चिल करते हैं, सो इट्स लाइक अ वेरी गुड बॉन्ड विद देम, सो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे वन ऑन वन रोल नेहा धुपिया जी के द्वारा मुझे ये अवार्ड दिया गया और इनम्स एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर होने के नाते मैं इनम फरीदी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ ग्लोबल फेम अवार्ड को कि वो इस तरीके के नए नए जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे होल इंडिया में उनको फैसिलिटेशन देते हैं और एक मोटिवेशन भी देते हैं। थैंक यू सो मच। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज ग्लोबल फेम अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, कभी नया तो भी नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? I think by getting this award on the Global Film Award 2022 has given me a lot of pride and privilege to be the part and the parcel of the humanitarian work I do. And I think so by getting the award with the Neha Divya is one of the wonderful thing. I'm really pleased and I'm very honored to be part of it. Thank you very much for getting me this award. Wonderful. Thank you. Ma'am, what do you want to say regarding Shailesh sir? You always support. What do you want to say regarding? I don't have any words to say about Shailesh ji. He's the amazing, amazing personality. He works very hard to get the people in, but I think he's doing a wonderful work by encouraging us and bringing all us up in together on this platform. Thank you, Shailesh ji. Bahut bahut aapka shukriya. Thank you. Thank you.
हेलो गुड इवनिंग आई एम माई सेल्फ गीत पराग पटनी आई एम 13 ईयर्स ओल्ड आई एम स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड इन निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल नासिक आई एम वर्किंग इन माई ओन अकेडमी गीत योगा एंड फिटनेस अकेडमी नासिक प्रीवियसली आई वॉज ओनली किड्स योगा टीचर बट नाउ आई टीच ऑल द एज ग्रुप्स I had received 4 gold medals in international, 5 gold medals in national and 9 gold medals in state yoga championships. I had received the youngest yoga trainer award and best yoga trainer awards. I am teaching yoga since 3 years when I was 10 years old. I am having students across 8 countries right now. My students are winners and runner-ups in state, national and international yoga championships. Thank you for choosing me as rising youngest yoga trainer. Thank you. बहुत खुशी हुआ स्टार हैं अच्छी अभिनेत्री हैं अभी अच्छी अभिनेत्री हैं उनके हाथों से अवार्ड मिला और हर समय अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि हम उच्च ऊँचाई तक पहुंच गए और इससे और ऊंचा बनना चाहते हैं इसलिए मेहनत करना बराबर चाहते हैं और मेहनत करना और मेहनत करना और मेहनत करना बात अगर मेहनत से करें तो अपना एक ढाबा भी है जो किस हाँ, तरह का है वो दे रहा है मेरा अपना ढाबा है पुराना असली यही बात चंपारण मीट हाउस बिहार में है पटना में और वहाँ का रेसिपी जो है मटन अहुना मटन नून तेला मटन पानी ये सब बहुत टेस्टी होता है आप आओ खाओ मेरे हाथों से खाइए मैं सेफ भी हूँ पटना